तो गाइस आप भी अपने शॉर्ट्स वीडियो में इस तरीके का इफेक्ट लगाना चाहते हो और गाइस आप भी अपने शॉर्ट वीडियो को अच्छा बनाना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो एंड तक देखो। लाइक विशाल वाईटी टिप्स से अभी राठौर है गाइस और बहुत सारे यूट्यूबर अभी न्यू शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे कि रिसेंटली उसका वीडियो देखते हो गाइस आपको काफ़ी लोगों को पसंद आती है और गाइस आप लोग मेरे को पता है कि आप यूट्यूब के ऊपर सर्च मारते होगे वो किस टाइप से वीडियो एडिटिंग करते हैं और किस टाइप से उसमें इफेक्ट लगाते हैं और गाइस बहुत सारे इफेक्ट रहते हैं उसमें, जैसे कि आपका स्क्रैच हो जाता है इस टाइप का इफेक्ट आप लगा सकते हो। तो गाइस इसी तरीके से बहुत सारे इफेक्ट आप लगा सकते हो और भी काइंड मास्टर से, कैसे करना है वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को देखना एंड तक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस मेरी मेन वाली चैनल के ऊपर 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैंने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया और आपको बताता हूँ कि कैसे वीडियो एडिटिंग करना है। और अभी राठौर और गाइस विशाल वाईटी टिप्स गाइस उससे बहुत सारे यूट्यूबर है गाइस उस तरीके से वीडियो अपलोड करते हो गाइस, उसमें व्यूज़ भी अच्छा मिल जाता है गाइस, उसमें ऑडियंस रिटेंशन अच्छी आती है गाइस। ऑडियंस रिटेंशन अच्छी आएगी तो आपको पता ही होगा कि वीडियो कितना वायरल जाता है गाइस, तो मेन चीज़ ऑडियंस रिटेंशन ही है। तो गाइस चलो अभी मैं बताता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके कि आपको कैसे वीडियो एडिटिंग करना है और कैसे अपने वीडियो में इफेक्ट लगाना है और साथ ही साथ अपने इमोजी वगैरह सेट करना रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहिए तो बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से काइंड मास्टर इंस्टॉल करके रखा होगा, जैसे कि मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखा होगा। गाइस मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्रिएट न्यू के ऊपर आपको कर देना सिंपली क्लिक, उसके बाद आपको रेशियो सिलेक्ट कर देना, जैसे कि आप शॉर्ट्स वीडियो बनाने चाहते हो तो गाइस 9:16 ऊपर क्लिक कर देना और आपको फुल वीडियो बनाना, जैसे कि आपको पता ही होगा यूट्यूबर होगा तो गाइस अभी 9:16 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया रहेगा इधर सामने शो होएगा। तो कैसे आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे अपने को इफेक्ट लगाना है इस तरीके से। और कैसे बहुत सारे यूट्यूबर अभी यूज़ कर रहे हैं और गाइस अभी राठौर हो गए लाइक विशाल वाईटी टिप्स और बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है गाइस और वीडियो वायरल बहुत हो जाता है। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या। देखो अभी मैं सिंपली जो भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इधर क्लिक करके आपको लास्ट में चले आना है, अपना वीडियो जिधर स्टार्ट होता है उधर चले आना है। और गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको जितना भी पार्ट्स आपको जैसे कि स्क्रैच करना है उतना स्क्रैच आप कर सकते हो। और इधर कैची वाले के ऊपर क्लिक करके और गाइस इधर ट्रिम कर लेना है, जैसे कि स्पीड एंड इंसर्ट मतलब दोनों साइड से कट कर देना है। और गाइस दोनों साइड कट लगाने के बाद आपके पास इस तरीके से आएगा। तो गाइस आपको इधर सिंपल इसके ऊपर कर देना है क्लिक और गाइस अभी ओ वाला पार्ट्स कट हो गया। और गाइस लेयर के ऊपर आपको कर देना है क्लिक और इफेक्ट के ऊपर आपको कर देना क्लिक, आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएगा। और गाइस ये सारा इफेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि सब इफेक्ट। तो गाइस अभी मैं जो इस पर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ वो मैं आपको इफेक्ट लगा के बता देता हूँ, जैसे कि ये क्रोमेटिक ग्लिच, ग्लिच का मतलब आप समझते हो जैसे ग्लिच होता है वीडियो में, तो गाइस वो ग्लिच वाला इफेक्ट मैं लगा देता हूँ। और इसको गाइस मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ जितने मेरे को चाहिए उतने में। तो गाइस आप देख सकते हो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और गाइस इस तरीके का इफेक्ट दिखेगा। और गाइस उसको कर देना है आपको सिंपली बड़ा और गाइस पूरे में कर देना है ताकि वीडियो और अच्छा दिखने में लगे गाइस। तो गाइस अभी मैं क्लिक कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ, देखो आप देख सकते हो जैसे किस तरीके से इफेक्ट लग रहा है। तो गाइस इस तरीके से आप भी इफेक्ट लगाना चाहते हो गाइस आप भी लगा सकते हो। और गाइस मैं आपको दूसरा इफेक्ट भी लगा के दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इफेक्ट सभी यूट्यूबर लगाते हो गाइस। और गाइस आप सर्च मारते होगे कि आप यूट्यूब के ऊपर इफेक्ट कैसे लगाए यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के ऊपर। अभी लेयर के ऊपर मैं वापस क्लिक कर देता हूँ और इफेक्ट्स के ऊपर वापस क्लिक कर देता हूँ और स्क्रैम्बल के ऊपर, और गाइस मैं वो वाले इफेक्ट भी सेट कर देता हूँ भी। तो गाइस बहुत सारे इफेक्ट मैंने पहले से करके रखा है, तो गाइस आपको भी करना चाहते हो तो गाइस आप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं उसको कट करके और मैं वापस आपको इधर सेट करके बताता हूँ तभी गाइस आपको पता चलेगा कि किस तरीके से होता है इफेक्ट। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि मैंने फिर से प्ले कर दिया और गाइस इस तरीके से इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस आज की इस वीडियो में, इतना मेरी वीडियो पसंद है लाइक कर दो शेयर।